सुप्रीम कोर्ट में एज यू ऑल नो मैंने पहले भी कहा था ऑलरेडी सेड दिस बिफोर दैट आई बी फाइलिंग अ पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट एंड माय पिटिशन वाज फाइल्ड टुडे मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ फेसबुक लाइव में कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड नॉर्थ ईस्ट से uh, आसू ने ये पिटिशन फाइल किया था अभी तक इंडिविजुअल ओनली वन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट माई लॉयर वॉज अभिषेक मनु सिंघवी बहुत है और मेरे स्पेसिफिक सब ने आर्टिकल फोर्टीन में उठाया है आर्टिकल ट्वेंटी वन में उठाया है मेरा एक स्पेसिफिक प्ली भी था कि आपने टी एन वी अकॉर्ड ए टी टी एफ अकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और आर्टिकल 15 मैंने लिखा है वो उसमें तो उस इशू में सुप्रीम कोर्ट ने मेरा मैटर को लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू कर दिया है मैं पहले से जानता था कि स्टे नहीं मिलेगा इसके लिए हमने स्टे के लिए पूछा भी नहीं था हमने कहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू कीजिए कि आपने कैसे हमारे ट्रीटीज अकॉर्ड्स को वायलेट किया है और उस आधार में हमने नोटिस सुप्रीम कोर्ट को आ, के द्वारा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है बहुत लोगों ने स्टे के लिए मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये कानून लागू ही नहीं हुआ है नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो स्टे का बात ही नहीं बनता है मैं ये पहले से जानता था हमारे लॉयर के संग बात हुआ हुआ था एंड मेड इट वेरी क्लियर की हम नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट ने हमारा दलील को मंजूर किया है और उन्होंने नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है कि आपने किस आधार में ये बिल पास किया लागू करेंगे त्रिपुरा में क्योंकि वहां में हमारी लोकल अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टीएनवी अकॉर्ड एटीटीएफ अकॉर्ड में आपका क्लियर वायलेशन होगा तो ये बात मैं आप सबको कहना चाहता था आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि हमने हमारा पहला कदम ठीक डायरेक्शन में गया है इट इज अ वेरी गुड थिंग इट्स पहली बार शायद uh, त्रिपुरा से किसी को uh, ने सुप्रीम uh, कोर्ट को एक नोटिस uh, भेजा है इस लाइन में इस थिंकिंग में uh, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन हुज बिन सपोर्टिंग मी मैं फिर से कह रहा हूँ मैंने किसी से एक रुपया भी नहीं लिया है मुझे किसी से एक रुपया भी नहीं चाहिए आप मेरे नाम में चंदा कलेक्ट मत कीजिए ये मैं अपने पॉकेट से अपने बलबूते में अपने लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं मुझे एक पैसा आपसे नहीं चाहिए आप मेरे नाम में अगर कोई भी चंदा कलेक्ट करता हो आप एक रुपया मत लीजिए आई हैव गॉट इनफ पीपल हैव गॉट इनफ रिसोर्सेज टू फाइट फॉर माई पीपल थैंक यू जिसे जिन्होंने मुझे फोन करके मुझे आ, मोटिवेट किया आप लोग सब जानते हैं कि आ, पिछले चार पांच तीन चार दिन मेरे लिए बहुत ही खराब रहा है आ, जिनको मालूम नहीं है जिसने मुझे बचपन से आज तक यहां तक लाया जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था पेगी मार्टिन उनका ध्यान पंद्रह तारीख को हुआ सवेरे सबसे खराब बात यह है कि वेन शी डाइड आई बाय हर साइड आई वॉज फाइटिंग द केस आई वॉज लॉयर्स आई वॉज नॉट शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड मैं उनसे बात भी नहीं कर सका और मैंने अपने फादर को जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ था मैंने आई हैड टोल्ड माई सेल्फ आई विल नेवर अलाउ एनी वॉन्ट टू लीव विदाउट मी बींग बाई द साइड लेकिन मैं इतना जो मेरा इतना करीब का है मैं उसके करीब भी नहीं रह सका जब उनका देहांत हुआ तो मैं उसके साइड बाय साइड नहीं था मैं केस फाइल कर रहा था इधर से उधर भाग रहा था अपने लिए आपके लिए लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक आव लेट माई सेल्फाउन पेगी अब मेरे साथ नहीं है और मुझे आई नेवर मुझे अब नहीं लगता कि मेरे जिंदगी में ऐसा और कोई आएगा जो मुझे पैगी से जितना प्यार करेगा और जिसको मैं भी इतना प्यार करूंगा उनका कोई परिवार नहीं था मैं ही उनका परिवार हूं उनका अंतिम संस्कार भी मैंने किया है और परसों मैं उनके अस्थि लेकर हरि बनारस जाऊंगा उनका बेटा नहीं था लेकिन मैं ही उनका बेटा हूं तो काइंडली बेर विथ मी क्योंकि जिंदगी में हर चीज शोर शराबा से नहीं होता ये मेरा इतना खराब मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा होगा जितना अभी लग रहा है कि जब पेगी मेरे संग नहीं है और उनके आखिरी मोमेंट्स में आई वॉज नॉट देर विथ केस में इधर से उधर भाग रहा था सीए के खिलाफ लड़ रहा था लेकिन एक पर्सनल तुम्ही কতটুকু কথা শোনা করছো মাইদিনা করছো আচ্ছা পাস করছো হস্ত করছো সাড়ে সঙ্গে কথা হলো মুখ্যমন্ত্রী স্যার এ এই मेरे संग पूरे जिंदगी रहेगा एनीवे এমনি কাছে তোও सके 5 दिन 5 दिन কেমন লাগে সাড়ে সঙ্গে কথা তুমি এরকম కమిং ব্যাক टू सीए अभिनव भासले এরকম মুখ্যমন্ত্রী স্যার मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को यह शुरुआत है आप अपना आंदोलन रेडी रखिए लेकिन आंदोलन वायलेंट नहीं होना चाहिए आम जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए और मुझे बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं कि दिस मूवमेंट इज एंटी हिंदू दिस मूवमेंट इज एंटी बंगाली मैं आपको कहना चाहता हूं हम बंगाली के खिलाफ नहीं मैं खुद भी हिंदू आज पेगी का देहांत हुआ है तो मेरा रुद्राक्ष में है मैं हिंदू के खिलाफ नहीं हूं मैं एंटी बंगाली खिलाफ नहीं हूं लेकिन मेरा सवाल है कि त्रिपुरा जिन्होंने शरणार्थी को रखा है पहले से रखा है अब तक रख रहे हैं आप हमें फिर से बोल रहे रखने के लिए और जिस राज्य ने आज तक एक शरणार्थी को भी नहीं रखा आपने आपने उनको उनको किस किस रीजन से आपने उनको किया हमने क्या गलती की कि आज हमें इस परिस्थिति से जाना पड़ रहा है तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अमित शाह जी ने मुझे बुलाया था बहुत अच्छे तरीके से मिले पटाल कन्या भी थी और उन्होंने मुझे समझाने का कोशिश किया मैंने उनको एक बात क्लियरली कहा कि अमित शाह जी आप देश के गृह मंत्री हैं होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई रिस्पेक्ट यू लेकिन कुछ इश्यूज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और इस इशू में मैं आपका इज्जत करता हूँ आदर करता हूँ देश के होम मिनिस्टर

रिलीजन के खिलाफ नहीं होना चाहिए बहुत बेंगोलीज है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सीए। आज आपके पास नौकरी नहीं है आज आपके पास हेल्थ अस्पताल में आपको डॉक्टर की कमी है और आज हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं और आज हम जो देश के नागरिक है उसमें बंगाली हो मुसलमान हो हो मैतई हो खासी हो गारो हो अरुणाचली हो नागा हो पहले वो सुविधा आप हमको दीजिए ना कि कोई बांग्लादेश से जो कल आता है उनको आप ये प्रोटेक्शन देंगे मैं पूछना चाहता हूं आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है भाषा एक है खाने का एक है देखने में मोरलेस एक है आप आपने क्या सिस्टम बनाया है और जो लोग 2014 को आते हैं या तेरह को आते हैं आप आ, आज से एक साल बाद वो आपका बी जवान होगा वो आपका सीमा का सुरक्षा करेगा आज से छह साल बाद या पांच साल बाद वो आपका एमएलए बनेगा वो आपका प्रतिनिधि बनेगा जो 2013 तक हिंदुस्तान में था ही नहीं उनको आज नौकरी मिल सकता है वो आपके बीएसएफ जवान बन सकते हैं सीआरपीएफ का जवान बन सकता है सेंट्रल जॉब ले सकता है स्टेट में जॉब ले सकता है आपका एमएलए बन सकता है तो हमारा क्या होगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा ये सुविधा आप पहले हमें दीजिए शरणार्थी को हम अच्छे तरीके से नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी में रख सकते हैं लेकिन वो सुविधा जो हमें मिलना चाहिए वो उनको पहले मिलेगा ये गलत बात है और रहा बात कि मैंने सुना है कि ये कंचनपुर से कोई लोग मुझे धमका रहे हैं ये ऐसा 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 करके उन्होंने कुछ स्पीच भी दिया मैंने देखा ऐसा ऐसा करके आप लोग क्यों चिंता होते जो जो भोगते हैं ना उनका काटने में दम नहीं है उनका हाथी का दांत वो सिर्फ देखने के लिए है वो कुछ कर नहीं सकते आप लोग ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए वो दो इंच के हैं सामने आने से वो पिघल जाएंगे बुबागरा अभी भी जिंदा है बुबागरा को आज तक कोई छूने का किसी का दम नहीं तो आप लोग चिंता मत कीजिए डोंट वरी अबाउट दीस पीपल दीस पीपल आर दीस आर टैटू हैं दीस आर टैटूज वो ऐसा ऐसा करके कंचनपुर में बोल रहा है कि हम लोग ये दिखाएंगे अरे दो मिनट में मेरे सामने आएंगे तो पिघल जाएंगे उनका उनमें कोई दम नहीं डोंट वरी अबाउट लेकिन वो जो बोल रहा है उसको सुनकर आप कोई बंगाली कम्युनिटी के ऊपर अटैक मत कीजिए ये लोग चाहते हैं कि हिंदू बंगाली में झगड़ा हो हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो तिपरा सा में झगड़ा हो मुझे वायलेंस नहीं चाहिए आपके पास अगर विश्वास है तो हम एक संघ होकर काम करेंगे मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिलकर सी जो पहले सी था उसके खिलाफ आंदोलन करें। ये आंदोलन में कोई आम नागरिक को जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए आप ये सवाल अपने जो एम एल है ना उनसे पूछिए जो आपका एमपी, आपका वोट लेकर वो गया येस अनिर्बन सरकार आई एग्री मूवमेंट शुड बी विद बेंगोलीज एज वेल आई एग्री एंड आई अपील टू द बंगाली टू ऑलो कम एंड ज्वाइन विद्रास आई अपील टू द मुस्लिम एवरीबडी शुड पीसफुली किसी को मार के किसी को गाली बख करने से मैं तिप्रासा को भी बोल रहा हूँ बंगाली को भी बोल रहा हूँ मुसलमान को भी बोल रहा हूँ महतई को भी बोल रहा हूँ गोरखा को भी बोल रहा हूँ और मैं आपके लिए मैंने लड़ा है दिल से आज जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही इंसान को इतना दिल से प्यार किया पेगी जो बचपन से उन्होंने मुझे बड़ा किया और आज जब वो मेरे संग नहीं है उनका देहांत हो गया उनके आखिरी मोमेंट में मैं उनके साथ नहीं था क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा था तिपरा के लिए लड़ रहा था त्रिपुरा के लिए लड़ रहा था सबके लिए लड़ रहा था ये जो चोट है ना कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं तो आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज अ दिस इज नॉट अ फाइट अगेंस्ट ए इंडिविजुअल दिस इज अ फाइट अगेंस्ट अ लॉ और आखिरी बात आपके पास एमएलए है आपका वोट लेकर वो एमएलए बने हैं, बने आपका वोट लेकर वो आज मंत्री बने है? आज चुप क्यों हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा आज दिल्ली हमको हल्का क्यों लेता है क्योंकि वो जानता है कि थोड़ा सा पैसा फेंकने से थोड़ा सा दबाव प्रेशर डालने से हमारे जो एमपीज है ना पिघल जा घबरा जाते हैं, या लालच में इधर से उधर चले जाते हैं। आपका वोट लेकर उनको बत्ती मिला सिक्योरिटी मिला सुविधा मिला बंगला मिला पावर मिला डिपार्टमेंट मिला आज उन्होंने आपको ही भेज दिया तो मैं तीन बात फिर से आखिर में कहना चाहता हूं पहला कि ये एजिटेशन हिंदू के खिलाफ नहीं है बंगाली के खिलाफ नहीं है ये एजिटेशन है हमारा अधिकार के लिए यह आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दूसरा मैं अपील करता हूं जो हमारे बंगाली भाई बहन है हमारे मुसलमान भाई बहन है आप भी एक दूसरे से मत लड़िए यह सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है मेरा जो प्रीवियस कांग्रेस पार्टी था उन्होंने भी वोट बैंक पॉलिटिक्स किया एक कम्युनिटी एक धर्म के लोगों को लेकर आए और वोट बैंक बनाया और लड़ाया एक दूसरे से आज बीजेपी भी वही कर रहा है कल कोई और करेगा पॉलिटिशियंस का काम ही है कि सबको बांटे सीपीएम ने भी यही किया मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम बचे लास्ट में द थर्ड पॉइंट इज संघर्ष है सी ए के खिलाफ ये जारी रहेगा और मैंने बहुत खोया है इस संघर्ष में लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा नोटिस आज दिया है वो अगर आ जाता है तो हम जीतेंगे मुझे एक विश्वास है इस देश के कानून में एक संविधान में आप चिंता मत कीजिए हम लोग आगे ही बढ़ेंगे बलाई हम बाय थैंक यू